नहीं होती, हर सांप हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, वो हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है जो आत्माओं को मिलन का, कुछ तो असर होता है जो आत्माओं के मिलन का, वरना गोरी राधा गोरी राधा और सामने कृष्ण की दीवानी ना होती। तो कहना क्या पड़ा, क्या फिल्मी दुनिया कह रही है, कहना पड़ा क्या दादाजी, दादाजी दादाजी गाना नहीं पड़ता है, इधर देखो पहले, फालतू में बाप परेशान हो रहे हो, इधर देखो बाद में लिखना। और क्या हम बोल नहीं रहे, पहले से लिखे भाई है नहीं रहे, अरे पहले कुछ बोल कहना है क्या बोलो, कि तुझसे बिछड़े थे क्या बोलते क्या बोलते आदरणीय दादाजी, गीत को सुने और पंक्तियों को विशेष ध्यान से रखें। और क्या कहना पड़ा, कि बहुत अच्छा है, जिस समय बाघ हमर जिंदा हो गया उसी समय बाबा भोलेनाथ शर्मिंदा हो रहे हैं। तो कहना क्या पड़ा, क्या बोलो, कि बाघ पर हुआ जिंदा है ओ त्रिपुरारी शरणिंदा।
जिस समय बाबा भोलेनाथ अपने ससुराल आ गए तो पंक्तियां भी आई चलो लिखो गले नाग माथे चंदा है और त्रिपुरारी गंगा है
कि बाघ कहां से पाया सुने। क्या बात है, क्या बात है, पूछे बाबा बोले ना। बाघ कहां से पाया सुने, ओ बाघ मार बाघ मर था, ओ पहना बाघ चर्म को सुने, पहना बाघ चर्म को सुने, हर सिद्ध धरती अंबर था। क्या बात है, क्या बात है। बाघ कहां से पाया सुने, ओ बाघ मार बाघ मर था, हर सिद्ध धरती अंबर था। तो कहना क्या पड़ा, क्या कि प्रीतम पर वो यमवर था। कहना क्या पड़ा, लिखो तो लिखो परेशान हो बल बल ना लिखती हो। शर्मिंदा हुए
शर्मिंदा है। अब देखेगा फिर एक बात आपने कही, भोलेनाथ के सर पे गंगा है, त्रिपुरारी शर्मिंदा है, गंगा जी साली है, बहुत जीजा जी खुश हो गए। अब बाघंबर हुआ जिंदा है, शंकर जी हुए शर्मिंदा है, चलो ठीक है नंगे हो गए, लेकिन लेकिन गंगा ऊपर है, शंकर जी सर। अरे उनका गीत है वो जाने, काबिया काबिया जी लगा हुआ है, ऐसे ऐसा प्रसंग कुछ ना कहो, तीर न तुक्का चुना चुना कहा क्या के बाघंबर जिंदा है त्रिपुरारी शर्मिंदा। एक पंक्ति आपने पढ़ी है कि बाघंबर जब बाघंबर वो जिंदा हो गया, भाग गया कहाँ कहाँ गया, प्रीतम पागल बता रहा भाग गया कहाँ, बाघ गया यम लोग को लेकिन आया नहीं दोबारा है। अरे वो बाघंबर जब शेष जी गले से निकले, उनकी आंख में गुलाल पड़ी, भस्मी वो उनकी आंख में पड़ी, क्रोधित हो गए शेष जी, निकल के क्रोधित होकर के भगवान शंकर को श्राप देकर के शेष जी चले गए। और उसके बाद में जब शेष गया वो बाघंबर गया जीवित होकर के, तो दोबारा वो भी नहीं आया। समझते इस बात की है, क्या नंगे खड़े हैं, वो नंगे नहीं है, हम बता रहे हैं, बताओ सोचो, बाघ गया यम लोक को लेकिन आया नहीं तुम्हारा है, जिसका अब जब बाघ चला गया शंकर जी शर्मिंदा हो गए, मतलब नंगे खड़े हैं, तो अब उन्होंने पहना क्या, अब सुनो पहना क्या, जिस जज का सर कटा हुआ था शर्मोशी का, अब जिस गज का जिस हाथी के बेटे का सर काट करके गणेश जी को जोड़ा गया था, उसी हाथी के खाल को तब से भगवान शंकर ने पहना। क्या बात है, ग्रंथ कथन ये न्यारा है, शंकर आनंद चलो।